सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ग्रेड थ्री मैक्स चैप्टर नंबर इलेवन जग्ज एंड मक्स सबसे पहले आप अपने मैक्स की टेक्सट बुक निकालेंगे पेज नंबर वन फिफ्टी थ्री वहाँ पर आप एक स्टोरी देखेंगे देर इज़ अ वेडिंग इन बनीस फैमिली अ फैमिली ऑफ रैबिट्स रेबिट्स के फैमिली में एक शादी है मेनी गेट्स गेस्ट आर इन्वाइटेड डियर मंकीज एलिफेंट्स कैच्स डॉग माइस फॉक्स कैमल मंगूज एक्सेट्रा स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट वन ग्लास ईच बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया बहुत सारे एनिमल्स जो यहाँ पे मैंशन किए उन्हें बुलाया गया और उनको एक खास तरीके की ड्रिंक दी गई एक ग्लास हर एक एनिमल को एवरी वन फाइन्स द ड्रिंक वेरी टेस्टी बट स्मॉल गेस्ट लाइक डैश के नॉट फिनिश अ फुल ग्लास सबको वो ड्रिंक बहुत टेस्टी लगी बट छोटे छोटे जो एनिमल्स थे उन्हें वो नहीं फिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे तो आपको पिक्चर देख के बताना है वो छोटे एनिमल्स कौन से थे तो इधर आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं मैंने यहाँ पे माइस एंड स्नेल लिखा है बट आपको कोई और स्मॉल एनिमल दिख रहा है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं बट डैश इज़ एबल टू फिनिश हिज ग्लास बट एक जो कैट थी उसने अपना ग्लास फिनिश कर दिया था तो यहाँ पे भी आपके आंसर्स वैरी कर सकते सम अदर्स लाइक डैश 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 आज पर मोर देन वन ग्लास और कुछ जो एनिमल्स थे जो बहुत बड़े थे उन्होंने एक से ज्यादा ग्लासेस मांगी और आप पिक्चर में देखिए कौन से एनिमल्स आपको बड़े लग रहे हैं मेरे हिसाब मेरे से मैंने लिखा एलिफेंट कैमल डियो बट ट्रबल तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ देर आर समेस्ट टू गो ऑन गल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लाउस पर कुछ इतने बड़े बड़े एनिमल्स थे जो एक के बाद एक ग्लासेस पीते ही जा रहे थे बनी वॉन्ट्स टू गैस हु ड्रेंक हाउ मच अब बनी को गैस करना है कि किसने कितना पानी पिया सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल दे रखा है लेस देन वन ग्लास तो हमें उनका नाम लिखना है ऐसे एनिमल्स जिन्होंने एक ग्लास से कम पिया तो मैंने यहाँ पर स्माइल्स और स्नेल लिखा क्यों क्योंकि उन्होंने पूरा ग्लास कम्प्लीट नहीं किया था ऐसे एनिमल्स जिन्होंने वन टू फाइव ग्लासेस पिए तो मैंने यहाँ पर लिखा है डॉग एंड कैट और जिन्होंने फाइव टू टेन ग्लासेस पिए वो है मंकी डियर और मोर देन टेन ग्लासेस में मैंने लिखा है एलिफेंट एंड कैमल तो यहाँ आप आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं आप वो पिक्चर्स में देख के आ, लिख सकते हो यहाँ पे आंसर्स अब आप पेज नंबर हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर पे एक और देखोगे जो कि आपको ये सब कुछ आपको अपने मैक्स की बुक में ही लिखनी है वाटर इन वाटर आउट अब यहाँ पे एक लड्डू नाम का बच्चा है लड्डू सोचता है कि मैं जितना पानी पीता हूँ मतलब मैं जितना भी पानी पीता हूँ तो उसमें से मेरा सारा पानी जाता कहाँ पे मेरा बॉडी कितना पानी इनटेक करता है कितना मेरा बॉडी बो, वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है ऐसे वो सोच रहा यू एवर थाट लाइक लड्डू लड्डू जैसे ऐसे सोच रहा है कि मैं इतना सारा पानी पीता हूँ तो पानी जाता कहाँ है ऐसे सब आपने कभी सोचा है अबाउट हाउ मैनी glasses ऑफ़ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे अब आप सोचो कि आप कितने ग्लासेज ऑफ़ वाटर पीते हो एक दिन में जैसे कि अगर समर डे है गर्मियों का दिन है तो हम बहुत हमें गर्मी लगती है बहुत हमें प्यास लगती है तो हम ऐसा सोच सक सोच सकते हैं कि हम टेन टू ट्वेल्व ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं बट ऐसे ही सेम विंटर डेज़ में क्या हो जाता है हमें उतनी ज़्यादा गर्मी या उतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती तो सेवन टू एट ग्लासेज ऑफ़ वाटर हम पीते हैं उसके बाद पूछा है कि हम जितना पानी पीते हैं तो उसमें से कितना हम ऑब्ज़ॉर्ब करते हैं तो हम जितना भी वॉटर पिए उसका हाफ़ जो होता है वो हमारा बॉडी इनटेक कर लेता है ऑब्जॉर्ब करता है और बाकी का सारा हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है इसके लिए मैंने लिखा है ऑलमोस्ट हाफ द क्वान्टिटी ऑफ वाटर आई इनटेक गोज़ आउट ऑफ माई बॉडी